गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती से पहले करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और लोग पाकिस्तान स्थित नानक देव जी की जन्मस्थली तक पहुंच सकेंगे। 9 नवंबर को श्रद्धालुओं का पहला जत्था करतारपुर के लिए रवाना होगा। 11 और 12 नवंबर को सिख गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए वीरवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर परियोजना पर चल रहे काम का जायजा लिया। चलिए आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीडिया से क्या कहा। यहाँ काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, और वो सेटिस्फाइड है कि जो टारगेट डेट है इनका 30 अक्टूबर उसको मीट कर लेंगे। अब जो कर लेंगे उनका तो अभी कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। पंजाबी जी सर, तो उन्होंने नज़र हिंदी या जी जी तो अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो पता लगा है अभी उसका पुल नहीं बना और उस साइड से कोई सड़क बनाएंगे, जब पुल बन जाएगा फिर पुल जुड़ जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से तो बिल्कुल पूरा स्पीड से काम चल रहा है। सर जी, $20 लगाया गया उसके, क्या $20 लगाया? हाँ, हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हैं। देखिए, हमारी जो परंपरा है, हम गुरुद्वारे खुले दर्शन हम कहते हैं कि जाके जहाँ भी किसी ने जाके दर्शन करने हैं, जहाँ मत्था टेकने टेके, ये $25 वाला काम यहाँ नहीं चलता। और दिस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट, ये पता नहीं क्या पाकिस्तान लगाना चाहता है, कोई जजिया टैक्स टाइप ऑफ थिंग, जो हम नहीं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करेंगे। सर, आज आप बॉर्डर पे आए हैं, आप फौजी भी रहे हैं, कैसा फील होगा? मैं तो उसकी लड़ाई में रहा हूँ, उसी 1965 की चलो पुल जोड़ा है, सब इस तरफ है थोड़ा सा। तो जब पंजाब का बॉर्डर सारा देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, देख के दुख भी होता है कि हमारे साथी बहुत यहाँ शहीद हो गए थे, तो पर वो हमारे फौजियों का काम है। बस चलो, ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।